वेलकम बैक एवरीवन। इस एपिसोड में बात करने वाले हैं एमटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के बारे में। देखिए, एमटा टेक्नोलॉजीज वन ऑफ द फाइनेस्ट कंपनीज है डिफेंस सेक्टर के अंदर, एंड स्पेशली इनका जो फोकस है यहाँ पे कहीं ना कहीं क्लीन एनर्जी पर भी है, जो हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया भी था। इस कंपनी के हाई की बात करें तो इन्होंने 2900 रुपीज का रिसेंटली हाई टच किया था, वहां से स्टॉक 1000 रुपीज नीचे आ चुका है। अगर हम लोग चार्ट पे परसेंटेज वाइज डिस्कशन करें तो स्टॉक जो है अपने टॉप से 33-34% नीचे ऑलरेडी आ चुका है यहाँ पे। तो एक वो इम्पोर्टेंट चीज है जो आपको समझनी है। अगर हम लोग स्टॉक के पी की बात करें तो उसमें अच्छी करेक्शन देखने को मिली, इंडस्ट्री पी के नीचे निकल आया, साथ ही में पेग रेशियो जो है यहाँ पे 0.7 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। मतलब जो यहाँ पे ईपीएस ग्रोथ एक्सपेक्टेड है वो कंपैरेटिवली ज्यादा है, प्राइस टू बुक 8.91 पे है। तो देखो, अगर हम लोग ये मेट्रिक्स देखते हैं तो हमें ये देखने को मिलेगा कि स्टॉक जो है कहीं ना कहीं एक सही वैल्यूएशन की तरफ पे हेड हुआ है रिसेंट कुछ समय के अंदर। बिकॉज यहाँ पे सेल्स ग्रोथ लास्ट 3 ईयर में 38.9% और 5 ईयर्स में 30% के अराउंड है। ये एक एक्सेप्शनल सेल्स ग्रोथ है, ये जनरली हमें देखने को नहीं मिलता है, तो वो एक चीज हमको समझनी पड़ेगी। अगर हम लोग यहाँ पे रिजल्ट्स की बात करते हैं, सितंबर 2023 में अच्छी ग्रोथ हमें देखने को मिली थी, बट रिसेंटली मैनेजमेंट का जो स्टेटमेंट आया था जिसमें उन्होंने अर्निंग्स को रिवाइज करा था, उसको लेके थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था, एंड उसके बाद में जो चीजें थोड़ी सी उनके लिए टम्बल डाउन कर गए थे। अगर हम लोग यहाँ पे सेल्स की बात करते हैं एनुअल लेवल पे, 2017 में इसका 100 करोड़ की सेल्स थी एंड 2023 में वो सेल्स 573 करोड़ के हो गए, तो ऑलमोस्ट 5.7 टाइम्स का ग्रोथ हमें यहाँ पर देखने को मिला लास्ट 6 ईयर के स्पैन में, लास्ट 6-7 ईयर के स्पैन में। तो आप देख सकते हैं कि ग्रोथ जो यहाँ पे कंपनी में आई है वो बहुत जबरदस्त है, बिकॉज इंडिया के अंदर ये जो सेक्टर है बहुत तेजी से हमें बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। एक चीज आपको यहाँ पर ये जरूर समझनी है कि ये जो ब्रेकडाउन आए हैं ये इस वजह से प्राइमरली आए, बिकॉज एक समय ऐसा था जब ये मार्केट का टाइम बहुत ही ज्यादा डिफरेंट था, जब यहाँ पे डिफेंस सेक्टर जो है वो बहुत तेजी से चल रहा था, बट उसके बाद में जो है डिफेंस सेक्टर से फोकस हटा तो चीजें जो है थोड़ी सी टम्बल डाउन हुई। 104 करोड़ के तकरीबन यहाँ पे नेट प्रॉफिट बना, ऑल्दो मार्जिन आगे भी इस लेवल पे सस्टेन करेंगे बिकॉज सेल्स ग्रोथ बहुत जबरदस्त आ रही है, तो इस लेवल के मार्जिन आगे सस्टेन करेंगे कि नहीं ये यहाँ पे कहना बहुत ज्यादा मुश्किल है। 250 करोड़ के तकरीबन बोरिंग्स हैं, उसके अगेंस्ट में 630 करोड़ के रिजर्व्स कंपनी के पास में है। शॉर्ट टर्म बोरिंग्स यहाँ पे 166 करोड़ के, एंड शॉर्ट टर्म बोरिंग ज्यादा होना हमेशा एक बेटर पॉइंट होता है। अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं इस कंपनी के कैश फ्लो की, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से इन्होंने 169 करोड़ बनाया था। रिसीवेबल्स के अंदर इनका जो कैश है वो फंसा हुआ, मतलब यहाँ पे रिकवर अभी नहीं हो पा रहा है एंड इनका जो कैश है वो रिसीवेबल्स में फंसा हुआ है। देखो, ये चीज बढ़ती जा रही है, मतलब ये उधार पे थोड़ी सी सेल्स ज्यादा कर रहे हैं, इन्वेंटरी पे तो पैसा खर्च कर ही रहे हैं। इन्वेंटरी पे यहाँ पैसा खर्च करना अच्छा पॉइंट है कंपैरेटिवली, तो वो एक चीज आपको यहाँ पे समझनी है। रेशियोज की अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो डेटर डेज जो है इनके 132 के आसपास में है, 130, एंड डेज पेबल 296 डेज के है, तो मतलब 296 डेज में ये लोग पेमेंट करते हैं और 132 दिन के अंदर जो है इनके पास में पेमेंट आती है। इन्वेंटरी डेज यहाँ पे कंपैरेटिवली ज्यादा है बिकॉज बड़े प्रोडक्ट्स हैं, बड़े वैल्यू हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स हैं, तो उनके अंदर इन्वेंटरी डेज कंपैरेटिवली ज्यादा रहता ही है। साथ ही में जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके अंदर तो बनाना होता है, तो किस इन्वेंटरी को ये लोग पाइलअप कर रहे हैं वो समझना पड़ेगा यहाँ पे। देखिए, शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो FIIs ने इसमें बहुत जबरदस्त तरीके से अपने इंटरेस्ट को दिखाया, बट DIIs ने उतनी ही जबरदस्त तरीके से इसमें सेलिंग करी है। पब्लिक के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो स्टेक हमें बढ़ता हुआ नजर आया, जो कि कहीं ना कहीं एक कंसिडरेबल पॉइंट है, बिकॉज इस तरीके से प्रमोटर्स ने अपने स्टेक को कम किया है वो बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग है। जहां मार्च 2022 में उनके पास 50% कंपनी थी, वहीं दिसंबर 2023 में उनके पास सिर्फ 37% ऑफ द कंपनी, एंड लास्ट वन ईयर के अंदर 10% ऑफ द स्टेक उन्होंने सेल ऑफ किया है, तो वो एक इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे समझनी। 21 फेब 2022 को लास्ट 3 रुपए का डिविडेंड हमें देखने को मिला था। एमटा टेक्नोलॉजीज का यहाँ पे जो है थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट हमें जल्द आता हुआ नजर आ सकता है, और उसके बारे में हम लोग डिटेल वीडियो जरूर बनाएंगे। एमटा टेक्नोलॉजीज के चार्ट पर डिस्कशन करते हैं। देखिए, ये जो जोन है 1800 रुपए का, ये एक इंपॉर्टेंट जोन है। अगर स्टॉक इस लेवल को ब्रेक कर जाता है तो सर्टनली थोड़े से प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, बट अगेन क्योंकि फंडामेंटल इतने जबरदस्त है तो हमें लगता है कि वहां पे नए बायर्स भी अट्रैक्ट होंगे, तो वो एक चीज आप यहाँ पे समझ कर चले। करंट लेवल पे जो रेजिस्टेंस है वो स्टैंड करती है 2000 रुपीज के लेवल पे, 2000 रुपीज के लेवल पे। 2000 रुपीज का लेवल बीट होता तो वापस से जो है स्टॉक के अंदर 2200 रुपए के लेवल, एंड देन फॉलोड बाय 2500 रुपीज के लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पे इस समय पे स्टॉक हेड जरूर होता आ रहा है 1800 रुपए के एक सपोर्ट प्राइस पे। देखने वाली बात यही है कि स्टॉक इस जोन के अंदर कंसोलिडेट करता है या फिर इसे बीट करके ऊपर जाता है एंड वापस नीचे की तरफ आता है। तो अभी के लिए अगर आप बाइंग सोच रहे हैं, देखिए, अगर आपके पास में 100 रुपए तो हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पे 20 रुपए की पोजीशन ले सकते थे, बट उसके बाद में हम वेट करते कि किसी भी तरफ सेटल डाउन हो जाए, बॉटमिंग हो जाए, उसके बाद में जो है हम लोग यहाँ पे नए पोजिशन बनाना कंसिडर करते। क्योंकि देखिए, हुआ क्या है ना कि स्टॉक टॉप से
30% से भी ज्यादा नीचे टूट चुका है। तो आप एक चीज समझिए कि यहाँ पे ट्रेंड के अंदर जो चेंज आ रहा है ना, जो मतलब डाउन ट्रेंड के अंदर स्टॉक जा रहा है या साइडवेज अगर स्टॉक जा रहा है, तो वो थोड़ी सी पॉसिबिलिटी सर्टेन हो रही है एंड उसको हम लोग यहाँ डिसरिगार्ड नहीं कर सकते हैं। वो एक इंपॉर्टेंट चीज है। बट विद दैट सेड, आई होप यू गाइस एंजॉयड दिस एपिसोड। पसंद आया प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन।